दोस्तों, सुजुकी की एक ऐसी लेजेंडरी गाड़ी है जो कि बहुत दशकों से लोगों के मन में राज करते रही है। इसके अलावा भी बोलते ना, टाटा की जो भी गाड़ी आती रही, हुंडई की जो भी गाड़ी आती रही, बट लोगों के में एक फ़ैन बेस, जैसे रॉयल एनफील्ड का बना है वैसे ही सुजुकी स्विफ्ट का फ़ैन बेस बहुत तगड़ा है दोस्तों। सो ये अभी हमारे साथ रॉयल ब्लू कलर है, ये रॉयल ब्लू कलर अभी हमारे सामने है और ये 2022 सितंबर का मॉडल है। VXI मॉडिफाइड, इन हाउस मॉडिफाइड है दोस्तों। सो उसका भी आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे। इसकी जो टॉप पावर है दोस्तों, ये जो प्रोड्यूस करता है पावर वो है 88 BHP का, जो मैक्सिमम टॉर्क जो प्रोड्यूस करता है वो है 98 न्यूटन मीटर का। तो दोस्तों, जैसे कि अपन हर बार हमेशा अपने कार की वीडियो में यही देखते हैं कि क्या सामने जजमेंट हमसे हो रहा है नहीं हो रहा है। सो दोस्तों, जैसे इसके भी ये सीट एडजस्टेबल है, राइट? एडजस्टेबल है। सो ये VXI में दोस्तों आपको सीट एडजस्टेबल मिल जाता है। सो ये सेकंड बेस मॉडल है, सेकेंड बेस्ट मॉडल है, मिडिल वर्शन है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं सामने सिर्फ और सिर्फ यहीं तक ही व्यू ले पा रहा हूँ, मुझे सामने बोनेट का नहीं दिख रहा है। ठीक है, शायद मैं इसका सीट ऊपर करूँगा तो मुझे आराम से दिखेगा, बट नॉर्मल सीट में नहीं मिल रहा है मेरे को। ये आपको पैनोर का यहाँ पे नॉर्मल 5 इंच है, राइट? दैट इज एडिशनली एडेड, इन हाउस एडेड, राइट? सो दोस्तों, ये इन हाउस एडेड है, आप यहीं से एड ऑन्स करवा सकते हैं पैनोर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको AC नॉर्मल मिल जाती है, प्लस यहाँ पे आपको पार्किंग का स्विच है, देन आपको यहाँ पूरा मैनुअल फंक्शन मिलता है, फाइव गियर्स के साथ आती है ये गाड़ी। प्लस इसमें आर्मरेस्ट फिर से नहीं है क्योंकि ये VXI मॉडल है, राइट? इसमें वो भी नहीं होगा ना, क्लब बॉक्स, कूल क्लब बॉक्स है, ग्लोव बॉक्स है, क्लब कूल क्लब बॉक्स, नॉट कूल ग्लोव बॉक्स, ओके, नॉर्मल क्लब बॉक्स है, ओके। इसके स्टीयरिंग पे दोस्तों, आपको स्टीयरिंग में कोई मॉडिफाइड है? स्टीयरिंग माउंटेड एडी कंट्रोल्स है, ओके, और ब्लूटूथ है, और कॉल रिसीव डिस्कनेक्ट, ओके, ऊपर करने का, राइट? सो इससे आपको ऊपर करना होगा। देखो दोस्तों, जैसे आपको कोई भी अगर अपना कनेक्ट करनी है और कॉल रिसीव करना है तो ऊपर करना होगा। सेम दोस्तों, इसमें जो है आपको यहाँ पे पूरा फाइबर मिलता है, ये पूरा ब्लैक कलर का है और ये पूरा सिंगल टोन पे पूरा फाइबर है, बट यहाँ पे एक चुक यहाँ पे ग्रेश कलर का लुक दिया है जो कि एनहांस कर रहा है इसके फ्रंट एंड पूरे लुक को। सेम दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई वैनिटी मिरर्स नहीं मिलते हैं, ना ही आपको यहाँ पे गॉग रखने के लिए आपको होल्डर कोई मिल रहा है। सेम यहाँ पे भी आपको देखो दोस्तों, मिरर्स कोई नहीं है। बट बेस्ट पार्ट ये दोस्तों, VXI मॉडल होने के बाद भी आपको इसमें सीट एडजस्टमेंट मिल जाता है जो कि बहुत सारी गाड़ियों पे नहीं मिलता है, और सारा आपका जो कंट्रोल है पूरा यहीं पे ही आपको ड्राइवर साइड पे आपको पूरा मिल जाता है। इसमें पूरा पावर कंट्रोल आता है, पावर विंडो से लेकर रेयर विंडोज भी पावर्ड है, सेंट्रल लॉक है। सो यहाँ पे दोस्तों, आपको मिरर एडजस्ट करने के लिए लेफ्ट राइट जो है उस कंट्रोल को करना होगा, इवन आपको यहाँ पे सेंट्रल लॉक भी आपको इसी में ही मिल जाता है। इसका भी सीट ऊपर करना, सीट हेड ऊपर करना। फुल्ली अप है, ओके, नीचे जाएगा, ओके। सो दोस्तों, इसमें आपको मैन्युअली करना होता है, जैसे कि हाँ गजेंद्र भी अब यहाँ पे कर रहे हैं। ये फुल्ली डाउन आ गया दोस्तों। अच्छा, इस पे VXI मॉडल पे भी आपको टिल स्टीयरिंग मिलता है, राइट? टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, टिल्ट मिलता है, मिलता है, राइट? ओके, ये पूरा एडजस्ट हो रहा है ना। ये पूरा भी एडजस्ट हो चुका है, सीट हाइट पूरी ऊपर है। एक मिनट आना भैया। दोस्तों, अभी इसकी सीट हाइट हमने पूरी ऊपर करवा दी है, इवन आपका जो स्टीयरिंग है वो भी टिल्टेड है। अभी जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे यहाँ पे क्लियरली सामने का जो बोनेट है वो आपको नहीं दिख रहा है। सो मैंने आईज व्यू से, सो आपको जो सामने का जजमेंट है वो थोड़ा सा आपको सोच के करना पड़ेगा। ये बेनिफिट होता है दोस्तों SUV और नॉर्मल पे। SUV में आपको सामने का जजमेंट जो है आपको पूरा एंड बोनेट तक दिखता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, बूट स्पेस 268 लीटर्स है। ओके, पीछे का एक बार ये ओपन करना। सो दोस्तों, एरोडायनेमिक्स के मामले में स्पीड को थोड़ा इसको मेंटेन करने के लिए सुजुकी ने यहाँ से जो आपका जो ओपन करने का रहता था उसकी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे कर दी है। ठीक है, सो ये है पीछे का। इसमें भी जो है दोस्तों सीट आपको जो गेट है मैक्सिमम जो ओपन हो रहा है वो है यहाँ पे 60 एंगल पे। ओके, सो यहाँ पे भी आपको दोस्तों देखो सीट जो है बहुत ही कंफर्टेबल है। जैसे अगर मैं अंदर बैठ के भी दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, मेरे जो है लेग स्पेस अभी काफ़ी है, देखिए। सो मुझे यहाँ लेग स्पेस की कोई इशू नहीं है। सो दोस्तों, ये थी स्विफ्ट की पूरी रिव्यू। ये VXI 2022 मॉडल का था, जो कि सुजुकी की बहुत लेजेंडरी गाड़ी है। इसको NCAP रेटिंग 4 मिली हुई है और चाइल्ड सेफ्टी में ये 3 पे स्टैंड करती है। गजेंद्र भाई, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है बैंगलोर में? 8,53,000 इज द ऑन रोड प्राइस है। 8,53,000 यस। VXI का? हां, VXI का। ऑन रोड है, एक शोरूम है? ऑन रोड, ऑन रोड है, राइट। इसकी बुकिंग क्या चल रही है और अभी? बुकिंग 11,000 बुकिंग अमाउंट है और आपको 11,000 बुकिंग अमाउंट है। बुकिंग अमाउंट 11,000 है। ओके, अभी बुकिंग करेगा तो आपको 2 वीक्स में डिलीवरी मिल जाएगा। 2 वीक्स में डिलीवरी मिल जाएगा। ओके, और इसका जो फाइनेंस है वो कौन करेगा? हमारे पास फाइनेंसियर है, फाइनेंसियर है। हाँ, आपका पूरा हम लोग भी कर देंगे ना। ठीक है भैया, चलिए फिर दोस्तों, स्विफ्ट के पूरे रिव्यू में इतना ही। आपको अगर कोई भी डाउट हो, हम यहाँ पे आपको कल्याणी सुजुकी का नंबर्स दे देंगे, गजेंद्र भैया का नंबर दे देंगे, आप उनको डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थर्ड व्हील साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्विफ्ट द लेजेंडरी कार।